दो पीरियड लगभग लग जाएंगे इसमें पूरे, लंबी डेरिवेशन है, ध्यान से समझना इसे। जो गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुजेक्स लॉ, ये सारे लॉज गैस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो बॉयल ने क्या एक्सपीरियंस किया, बॉयल ने प्रैक्टिकली करके देखा कि किसी क्लोज्ड गैस है कंटेनर के अंदर, उस पर प्रेशर अगर दूना कर दो तो इसका वॉल्यूम आधा हो गया। हो गया नहीं आधा? जब प्रेशर मैंने बढ़ाया तो वॉल्यूम इसका आधा हो गया। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था, अलग अलग गैसेस पर करके देखा उन्होंने, तो सभी गैस पर लगभग एक जैसा ऑब्जर्वेशन आया, गैस लॉ बन गया, उनके नाम से बॉयल्स लॉ बन गया। लेकिन प्रेशर डबल कर देने से गैस का वॉल्यूम आधा क्यों हो जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास। क्यों ऐसा बिहेव कर रही है गैस, उसका गैस के स्ट्रक्चर के बेस पर उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। और इसी तरह और जा रहे सारे जो गैस लॉस डेवलप हुए, किन्हीं भी गैस किसी भी गैस लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं था उस समय जब वो इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर और साइंटिस्ट ने काम किया, और फिर एक इक्वेशन बनाई, प्रेशर इक्वेशन। किसी भी गैस का प्रेशर, कोई भी गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है और कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, इसके लिए एक इक्वेशन बनाई, प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। और ये एक ऐसी इक्वेशन है जो बिल्कुल मदर इक्वेशन साबित हुई, और बाकी सारे के सारे गैस लॉज इस एक फिनोमिनन पर, इस एक इक्वेशन पर सारे के सारे एक साथ एक्सप्लेन हो गए। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। क्या करेंगे कि गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है और कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर इक्वेशन ऑफ ए गैस। प्रेशर इक्वेशन ऑफ ए गैस का प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लंबी डेरिवेशन है लेकिन बहुत सिंपल है, स्टेप्स बहुत सारे हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कहीं भी नहीं है। ये तीन एक्सिस बनाई हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट। इस एक्सिस पर आपने एक कंटेनर लिया है, क्यूबिकल कंटेनर। क्यूबिकल कंटेनर का मतलब जिसकी तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। ये आपका क्यूबिकल कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर की एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ ए, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग भी ए, और हाइट भी इसकी वाई एक्सिस के अलोंग ए, तीनों ही साइड्स इसकी ए हैं। तो किसी भी एक सरफेस का एरिया, किसी भी एक सरफेस का एरिया कितना होगा, सिंपली ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसका नाम लिख लो। कहीं से भी लिख सकता हूं नाम, तो चलो ऐसे ए बी सी, ये वाला पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ओ ई एफ, और ये वाला पॉइंट जी। इस गैस के अंदर, इसके अंदर एक गैस है क्यूबिकल कंटेनर के अंदर, आइडियल गैस। कौन सी गैस? आइडियल गैस। आइडियल गैस है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी हुई है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं इधर उधर, कोई इधर कोई इधर कोई उधर, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक मॉलिक्यूल आपने कंसीडर किया जो आपके ऑब्जर्वेशन टाइम पर चल रहा था एक डायरेक्शन में,
आपके टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर चल रहा था। ये इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इस वेलोसिटी वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया 3 एक्सिस पर। तो वेलोसिटी वेक्टर के टेल पर आपको 3 एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3। करेक्ट, डायग्राम कंजस्टेड नहीं हो इसलिए मैं सिंपल सिंपल एक ये हो गया कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। किस एक्सिस के अलोंग है ये? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये बना आपका वी एक्स। दूसरा कंपोनेंट ये बना, ये वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस ये बन गया आपका वी वाई। तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा, जो हम यहाँ प्रॉपरली तो शो कर नहीं कर सकते। ये कंपोनेंट क्या बन गया आपका? वी जेड कंपोनेंट बन गया। वेलोसिटी वी वेक्टर के 3 कंपोनेंट बन गए, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। वी एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, वी वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग और वी जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। अब हम केवल एक कंपोनेंट लेकर काम करेंगे, केवल एक कंपोनेंट लेकर के डेरिवेशन करेंगे। जैसा एक के साथ वैसा ही बाकी दो के साथ, लास्ट में ला करके हम सिमिलरली कर देंगे। कंसिडर करेंगे केवल एक कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कंसिडर करने का मतलब क्या है कि जब हम वी एक्स, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वी एक्स वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, तब हमें इस बात से मतलब नहीं कि वो वाई एक्सिस पर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, जेड एक्सिस पर जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। हम उसे केवल कह रहे हैं कि वो केवल एक्स एक्सिस के अलावा ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपका गैस आइडियल गैस है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है। तो छोटे मोटे कंसिडरेशन, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल एन, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल स्मॉल एम, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर? एन। हर मॉलिक्यूल का मास कितना है? एम। तो फिर मास ऑफ द गैस, कैपिटल एम लिखा इसे, ये कितना होगा? स्मॉल एम इंटू एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ गैस वी इक्वल्स कितना होगा बोलो? जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है, ए क्यू। ठीक है, और फिर डेंसिटी ऑफ गैस कितनी बनेगी बताओ? डेंसिटी ऑफ गैस कितनी बनेगी? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि रो इक्वल्स मास कितना है? एम एन बाय ए क्यू। ठीक है, ये तो हमारे कंसिडरेशंस हो गए। अब आते हैं क्या? अच्छा, ये जो वेलोसिटीज हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को तो हमने एक सिंपल लिखा है वी वेलोसिटी, है ना? लेकिन इस मॉलिक्यूल की सबकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। सबकी वेलोसिटीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी ना? बिल्कुल। लेट द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बी वी वन वैक्टर, वी टू वैक्टर, वी थ्री वैक्टर और अप टू वी एन वैक्टर। ठीक है, तो आपने वी वन को रिजॉल्व कर दिया एक्स वाई एक्स एक्सिस पर,
तो इसके तीन कंपोनेंट बनेंगे, वी एक्स वन प्लस वी वाई वन प्लस वी जेड वन, और इसी तरह से nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या बनेंगे, वी एन वी एक्स एन प्लस वी वाई एन प्लस वी जेड nth मॉलिक्यूल के लिए। एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, एन वन टू थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है किस मॉलिक्यूल के लिए आपने ये कंडीशंस बनाई हैं। ठीक है, तो इन वेलोसिटी से, चलो इसी के साथ लिख दूं, थोड़ा सा सही रहेगा। वेलोसिटी वी वन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी वन स्क्वायर इक्वल्स वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी, एक मिनट इसको मैं स्मॉल वी बनाता हूँ क्योंकि कैपिटल वी हमने पहले ले रखा है, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। तो वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी जेड वन स्क्वायर, इसी तरह से ये वी एन स्क्वायर कितना बन जाएगा, वी एक्स एन स्क्वायर प्लस वी वाई एन स्क्वायर प्लस वी जेड एन स्क्वायर। ठीक है, इनका आगे यूज करेंगे हम। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स में भी आपने कंसिडर किया केवल एक मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल के भी तीन वेलोसिटी वेक्टर्स में से आपने कंसिडर किया केवल किस वेलोसिटी वेक्टर को, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। कौन सा वेलोसिटी वेक्टर, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये वी एक्स वन वेलोसिटी से, या वी एनएस मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम सिंपली, ये वी एक्स वेलोसिटी से चल रहा है, कहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो चलते 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 कहाँ टकरा जाएगा, ये जो दीवार है सी डी जी एफ, ये जो दीवार है सी डी जी एफ, इससे टकराएगा, और टकराने के बाद फिर लौट के जाएगा। ठीक, कितनी वेलोसिटी से टकराया है, वी एक्स वेलोसिटी से टकराया, लेकिन कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, तो फिर सेम वेलोसिटी से वो डिबाउंड हो गया है वापस, करेक्ट। ये टकराया किस वाली दीवार से, सामने वाली दीवार से टकराया और फिर वापस आ गया सेम वेलोसिटी से। तो टकराने की वेलोसिटी है वी एक्स, और वापस की वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ, माइनस वी एक्स, टकराया ना प्लस वी एक्स वेलोसिटी से, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग चलेगा, टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस वी एक्स। टकराने से पहले इसका मोमेंटम कितना रहा होगा, टकराने से पहले कितना मोमेंटम रहा होगा इसका, एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना, एम एक्स, नहीं एक्स एक्स मास थोड़ी ना बदलता है, एक्स एक्सिस या वाई जेड एक्स, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो मास इसका एम है, वेलोसिटी ये मेरी वॉल है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहां जाकर के टकराया, कितने मोमेंटम से टकराया, एम वी एक्स से, कितने मोमेंटम को लेकर लौटा, माइनस एम वी एक्स, एम वी एक्स से टकराया माइनस एम वी एक्स लेकर लौटा, कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, थोड़ा सा तो सोच के जवाब दो, 2 mv x भी आप अधूरा आंसर दे रहे हो आप, माइनस, भाई फाइनल कितना हुआ इसका, फाइनली तो नेगेटिव चल रहा है ना, माइनस एम वी एक्स हुआ, इनिशियल कितना था, प्लस एम वी एक्स था, तो फाइनल में से इनिशियल जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के बन जाएंगे ना, दो -2 mv x, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ इसका मोमेंटम, -2 mv x, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है, जितना मोमेंटम इसका चेंज हुआ उतना ही मोमेंटम दीवार का भी तो चेंज होगा, अपोजिट होगा, तो दीवार के मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, +2 mv x, जब ये दीवार से टकराया तो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ -2 mv x, तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो जितना इसका चेंज,
ये MVX, MVX से टकराया, माइनस MVX से लौटा, तो इसके चेंज मोमेंटम में चेंज हुआ -2 MVX। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहना है, अगर इसके मोमेंटम में -2 MVX चेंज हुआ है तो दीवार के मोमेंटम में भी उतना ही उसके अपोजिट, ताकि दोनों का मिलकर वहीं का वहीं आ जाए, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, +2 MVX, करेक्ट। अब ये यहाँ दीवार से टकराया, इधर वाली दीवार से टकराया, ये यहाँ टकरा गया सामने वाली दीवार से, अब निगेटिव एक्स एक्सिस पर चलता रहा, अब सामने वाली दीवार पर जाके टकराया, इस दीवार से टकरा कर उस दीवार से टकराने तक कितना डिस्टेंस चलना पड़ा इसे, कितना डिस्टेंस चलना पड़ा। अभी ये टकराया यहाँ, और फिर यहाँ पहुंच के सामने वाली दीवार कौन सी, ओ ए बी ई से टकराने तक कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, ए चलना पड़ा। फिर यहाँ टकरा के फिर वापस आ गया इधर, तो एक दीवार के दो टक्करों के बीच कितना डिस्टेंस चलना पड़ा इसको, ए जाने में और ए आने में। टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 2a। अच्छा, 2a तो डिस्टेंस चलना पड़ा, यानी ये सामने वाली दीवार है, ये इस दीवार से ही दो बार टकराने, एक टकरा के गया और फिर वापस आके टकराया, दो कंसिक्यूटिव कोलिजन्स के लिए इसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 2a। कितना इसकी वेलोसिटी है, स्पीड कितनी है एक्स एक्सिस के अलावा, वी एक्स। तो 2a डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, 2a डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, सिंपल होती है फिजिक्स, इतनी मुश्किल नहीं होती कि सोच रहे हो, सिंपल, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। डिस्टेंस 2a, स्पीड कितनी है, वी है। तो कितना टाइम लगा इसके बीच किसको, ठीक है, टकराया, टकराने के बाद 2a अपॉन वी एक्स टाइम के बाद फिर टकराया, 2a अपॉन वी एक्स टाइम के बाद फिर टकराया, 2a अपॉन वी एक्स टाइम के बाद फिर टकराया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से बताना, बस एक सवाल और, उसके बाद पूरी डेरिवेशन कॉपी पर हो जाएगी। दो टक्करों के बीच कितना टाइम लग, दो टक्करों के बीच टाइम है 2a अपॉन वी एक्स, तो 1 सेकंड में कितनी बार टकरा जाएगा ये, दो टक्करों के बीच, दो कोलिजन्स के, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है 2a बाय वी एक्स सेकेंड, 2a बाय वी एक्स सेकेंड बिटवीन टू कोलिजन्स, तो 1 सेकंड में कुल मिलाकर कितनी बार टकरा जाएगा, कितने कोलिजन्स कर जाएगा इस दीवार से ये। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका वी एक्स बाय 2a। अब इसकी यूनिट खत्म हो गई यहां से, 2a वी एक्स बाय 2a नंबर मिल गया आपको, जितनी बार ये टकराएगा, 1 सेकेंड, एक टक्कर में इसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया वॉल को, +2 MVX। तो 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा ये, एक बार टकरा कर कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया था इसने, 2+2 MVX, और 1 सेकेंड में कितनी बार टकराया, एक एक टक्कर में कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये, एक टक्कर में 2 MVX। और अगर इसने 1000 टक्कर मार दी 1 सेकेंड में, तो 1000 टाइम, लेकिन इसने 1 सेकेंड में कितने 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 कोलिजन करे, वी एक्स बाय 2a इंटू जो भी मोमेंटम ट्रांसफर करा था, कितना, देखो अभी हवा में चल रहा, कॉपी में सारा आ जाएगा, 2 MVX ट्रांसफर किया था वन, और कितनी बार टकराया, वी एक्स बाय 2a। तो टोटल मिलाकर के कितना इसने मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, कितना आया आंसर, MVX² बाय ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, MV²
बाय ए, ये इसने मोमेंटम ट्रांसफर किया इन 1 सेकेंड। अच्छा फोर्स कितनी होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज का मतलब 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 1 सेकेंड में जो चेंज होगा उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ, 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, एमवी एक्स स्क्वायर बाय ए। तो जब आप फोर्स निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना एम वी एक्स स्क्वायर बाय अपॉन में टाइम कितना 1 सेकेंड, तो यही इसकी फोर्स हो गई। फोर्स हो गई ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं केवल एक मॉलिक्यूल के लिए ठीक है, एक मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स एग्जर्ट करी सामने वाली दीवार पर। अब उसके बाद इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, समझने की बात यहां सारी खत्म हो गई ठीक है। मैंने इसलिए आपको ये ओरल कराया ताकि लिखने में आसानी हो जाए, आप आराम के साथ लिख सको इसे। हाँ जी, कंसिडर वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल कौन सा अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग एक मॉलिक्यूल के लिए अभी हम काम करते जा रहे हैं। कितनी है ये वेलोसिटी, वी वन एक्स वेक्टर। मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना एम वी वन एक्स वेक्टर, समझ रहे बात। लेट द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल, कौन सी वॉल है, कौन सी वॉल से टकरा है, सी डी जी एफ, सी डी जी एफ ठीक। सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ये हम पहले कह चुके हैं कि रियल गैस करे ना करे लेकिन आइडियल गैस का कोलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक ही होना है। हेंस मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन कितना होगा, माइनस एम वी वन एक्स। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, माइनस एम वी वन एक्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्लस एम वी वन एक्स, कितना हुआ माइनस टू एम वी वन एक्स वेक्टर। हेंस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, कौन सी वॉल है, ये वॉल है सी डी जी एफ इज इक्वल्स टू प्लस टू एम वी वन एक्स वेक्टर। ये मोमेंटम में चेंज आ गया, किस में मोमेंटम में चेंज आ गया, ये वाला ठीक है। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद द वॉल सी डी जी एफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम सी डी जी एफ टू ओ ए बी ई
एंड बैक। बात समझ गए? यहां से सामने वाली वॉल तक और फिर वापस बैक। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? टू ए। हेंस टाइम टेकन बिटवीन, हेंस टाइम टेकन से लिख दूं मैं, कितना कितना? टू ए बाय वी वन एक्स सेकेंड। यहां हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, केवल मैग्नीट्यूड चलेगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड कितने हो गए? वी वन एक्स बाय टू ए। अब यहां सेकेंड खत्म हो गया क्योंकि ये नंबर बन गया अभी ये। ठीक, मोमेंटम ट्रांसफर बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड टू द वॉल कौन कौन सा है? सी डी जी एफ। ये कितना बनेगा? मोमेंटम ट्रांसफर इन 1 कोलिजन इंटू नंबर ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन इन 1 सेकेंड। एम वी वन स्क्वायर बाय टू ए, है ना? तो सिंपली कितना हुआ? एम वी वन स्क्वायर एक्स बाय ए। अभी यूनिट नहीं लिख रहे हम। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। मोमेंटम है, मोमेंटम ट्रांसफर बाय 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की टक्कर से, एक मॉलिक्यूल की कोलिजन से जो चेंज आया मोमेंटम में, किसके मोमेंटम में चेंज आया? इस वॉल के मोमेंटम में। वो कितना चेंज है? 2 mv1 एक्स स्क्वायर बाय ए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस पर टकरा रहे हैं, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से कितना चेंज आएगा मोमेंटम में? सारे मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम को जोड़ दीजिए आप। फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कौन सी है? सी डी जी एफ ड्यू टू कोलिजन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑन वॉल बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स। बात समझ आई? भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो अब इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं एफ एक्स। क्यों लिखा एफ एक्स? क्योंकि ये जो वॉल है आपकी सी डी जी, दिस वॉल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना ये फोर्स जो भी लग रही है, जो भी फोर्स लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो एफ एक्स कितना निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल के लिए तो आपने करा था एम वी वन एक्स स्क्वायर बाय ए, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के लिए एम वी टू स्क्वायर एक्स बाय, फिर तीसरे के लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जोड़ते चले जाओ तो एम अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा ना इसमें से। जब सारे मॉलिक्यूल्स के लिए यही चीज जोड़ेंगे हम तो क्या बना? एफ एक्स इक्वल्स बना एम बाय ए कॉमन में वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर वी थ्री एक्स स्क्वायर और अप टू वी एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फोर्स। हेंस प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल सी डी जी एफ। ये प्रेशर कितना होगा? ये आपका हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल। एरिया कितना है?
ए स्क्वायर, तो क्या बना अब ये बोलिए, एम बाय ए क्यूब वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर और अप टू वी एन एक्स स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर, कौन सा प्रेशर है ये जो इस वॉल पर लगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब ए ये वाली वॉल ले लीजिए, बी सी एफ ई, बी सी एफ एफ ई परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो वाई एक्सिस के लिए लगेगा, है ना। और फिर एक वॉल लीजिए ये वाली ए बी सी डी, ए बी सी डी जो किसके परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के, है ना। सिमिलरली पी वाई इक्वल्स कितना बनेगा, एम बाय ए क्यूब वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर और अप टू वी एन वाई स्क्वायर और पी जेड, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली फेस पर कितना लगा प्रेशर, एम बाय ए क्यूब वी वन जेड स्क्वायर प्लस वी टू और अप टू वी एन जेड स्क्वायर। अब यहां पर फिर एक कंसिडरेशन, वो क्या कि आइडियल गैस है ये, आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल जितना प्रेशर इस वॉल पर लगा रहे उतना ही प्रेशर दूसरी वॉल पर, उतना ही प्रेशर तीसरी वॉल पर, हर प्रेशर हर वॉल पर एक ही प्रेशर लगना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम, हेंस पी एक्स इक्वल्स पी वाई इक्वल्स पी जेड इक्वल्स पी, जो कि अल्टीमेटली प्रेशर ऑफ गैस है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हेंस थ्री पी इक्वल्स पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, क्योंकि पी एक्स भी पी के इक्वल, पी एक्स पी वाई भी पी के इक्वल, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल। ये पी क्या चीज है, ये पी है आपका प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है जी। अब जरा देखना, तो पी एक्स ये रहा पी एक्स, एम अपॉन ए क्यूब है इसमें बाहर ब्रैकेट के, पी वाई में भी एम अपॉन क्यूब बाहर है, पी जेड में भी एम अपॉन क्यूब है, तो ये तो तीनों में से ही कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आया, एम बाय ए क्यूब। अब यहां देखिएगा जरा ध्यान से, पी एक्स में से निकल कर आएगा वी वन एक्स स्क्वायर, पी वाई में से आएगा वी वन वाई स्क्वायर और पी जेड में से आएगा वी वन जेड स्क्वायर। इसी तरह पी एक्स में से आएगा वी टू एक्स स्क्वायर, फिर वी टू वाई स्क्वायर, फिर वी टू जेड स्क्वायर। तो अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं हम, क्या वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर, एक ग्रुप बन गया। फिर दूसरा ग्रुप वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी टू, और अप टू वी एन एक्स स्क्वायर प्लस वी एन ठीक है। अब यहां वो चीज यूज हो जाएगी जो अभी अभी हमने लिखा था, एम बाय ए क्यूब कहां से ले लिया मैंने, ए क्यूब कहां, राइट ए क्यूब है, ए क्यूब है। ये देखना जरा, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर, ये वी वन स्क्वायर है। तो अब ये क्या बना आपके लिए, ये बना पूरा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर और अप टू वी एन स्क्वायर, ठीक है जी। थ्री पी इक्वल्स एम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन से ही इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय
एन। देखना एम एन अपॉन ए क्यूब क्या बन गया, एम एन अपॉन ए क्यूब, एम एन अपॉन ए क्यूब ये पहले लिख लिया हमने, डेंसिटी है, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया डेंसिटी रो। कंफ्यूज मत होना, ये पी है ये रो है, ये प्रेशर है वाला पी है, ये डेंसिटी वाला रो है। और यहां क्या बनता है, यहां बनता है आपका, नहीं अभी तो मैं यहां इसको ऐसे लिखता हूँ, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर और वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये आपने क्या काम किया है, ये आपने वी वन का स्क्वायर करा, फिर वी टू का स्क्वायर, फिर यानी सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करा, उन सारी वेलोसिटीज को जोड़ दिया और फिर जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज थे उससे डिवाइड कर दिया। तो यानी नंबर से डिवाइड करने का मतलब आपने एवरेज लिया, मीन ले लिया आपने, मीन किसका मीन लिया, वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन लिया, है ना। एक चीज और लगा देता हूं मैं इसके ऊपर, स्क्वायर रूट, एक रूट और लगा देता हूं इसके ऊपर, स्क्वायर रूट, हेयर स्क्वायर रूट मैंने लगाया किसका, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अप टू वी एन स्क्वायर बाय एन। तो अब आपने क्या काम किया है, आपने रूट ले लिया, किसका ले लिया रूट, मीन का रूट लिया, और मीन किसका लिया था, स्क्वायर्स का, स्क्वायर किसका लिया था, तो ये पूरा का पूरा बन गया वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस, वेलोसिटी रूट है किसका, मीन का, मीन है किसका, स्क्वायर्स का, स्क्वायर है किसका, वेलोसिटीज का, ये सारा बना आपका कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन यहां तो रूट नहीं आ रहा ना, तो फिर मैं अगर यहां इस पूरे को उठा के वी आर एम एस रखना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये पूरी फिगर को वी आर एम एस लिखा है हमने, वी आर एम एस है इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या बना, थ्री पी इक्वल्स रो वी आर एम एस स्क्वायर, एंड नाउ प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। और इसी इक्वेशन से हम एक एक करके सारे के सारे गैस लॉ निकाल के ले आएंगे यहीं से। ठीक है, सीधी बात है कि प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड करता है डेंसिटी पर, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी गैस की उतनी ही ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी पर, जितनी ज्यादा तेजी के साथ चल रहे होंगे उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यहीं से सारे के सारे लॉ एक्सप्लेन हो जाएंगे। कीजिए,